आज का क्वेश्चन हमारा थ्योरम टू ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज़ का है, जिसमें हमें प्रूव करना है सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 + tan² θ। तो इसके लिए सबसे पहले हमें एक राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ करना पड़ेगा। ए बी सी एंगल एट बी इज 90 डिग्री। तो सी को हम थीटा मान लेते हैं। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम हाइपोटेनस हमारा ए सी है, तो ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर हमारा हो जाएगा। अब हमें यहाँ पे डिवाइडिंग बोथ साइड बाय बी सी स्क्वायर मीन्स हमें इधर दोनों साइड जो है बी सी से डिवाइड करना है बी सी स्क्वायर से। तो इसके नीचे बी सी, इसके ए बी स्क्वायर बाय बी सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर बाय बी सी स्क्वायर। देखिए ए सी बाय बी सी क्या होता है, ए सी बाय बी सी। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा आपका हाइपोटेनस बाय बेस। तो हाइपोटेनस बाय बेस हमारा सेक कहा जाता है। तो सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, अब देखिए ए बी बाई बी सी स्क्वायर परपेंडिकुलर बाय बेस मीन्स 10² θ, और यहाँ पे बी सी बाई बी सी, तो ये हमारा 1 हो जाएगा, जो कि हमें प्रूव करना था। अब इसे हम बहुत तरह से लिख सकते हैं, जैसे आप सेक स्क्वायर थीटा है तो 10² θ इधर आ जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। इसी तरह इसी के साथ अब हम एक दूसरा आइडेंटिटी भी देखते हैं। तो इसी का थर्ड थ्योरम है, जिसमें प्रूव करना है कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 + cot² θ। अब इसको प्रूव करने के लिए हमें एक राइट एंगल ट्रायंगल चाहिए, ट्रायंगल ए बी सी। सपोज कर लीजिए यहाँ पे हमारा थीटा है, और बाय पाइथागोरस थ्योरम हाइपोटेनस जो है हमारा ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर हो जाएगा। ओके अब देखिए ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, इसको हम फिर से लिखते हैं। अब हमें डिवाइड क्या करना है, दोनों साइड हमें ए बी से डिवाइड करना है, ए बी स्क्वायर से, ए बी स्क्वायर बाय ए बी स्क्वायर बाय ए बी स्क्वायर, डिवाइडिंग बोथ साइड बाय ए बी स्क्वायर। ओके अब क्या आ जाएगा, ए सी बाय ए बी क्या होता है, ए सी बाय ए बी मीन्स हाइपोटेनस बाय परपेंडिकुलर हमारा कोसेक आ गया, कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू, अब ए बी बाई ए बी मीन्स 1 प्लस बी सी बाई ए बी, बी सी हमारा बेस है, ए बी हमारा परपेंडिकुलर है, तो बेस बाय परपेंडिकुलर हमारा हो जाएगा कोट स्क्वायर थीटा। ये भी थ्योरम हमारा प्रूफ हो गया। थैंक यू।